कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं करेले कीमा। तो ये देखिए, मैंने करेलों को कटिंग कर लिया है। इसकी हल्की हल्की सी इसकी मैंने स्किन रिमूव की है। ये देख रहे हैं आप, कुछ की है कहीं पर और कुछ की नहीं है। जो मोटी मोटी थी वो मैंने रिमूव कर दिया। आप जैसे मर्जी इसको काट सकते हैं, मैंने लंबाई में काटा है। इसके अंदर डलेगा टमाटर, एक टमाटर है, एक प्याज है। एक बड़ा प्याज था, मैंने हाफ कटिंग करके तो इसके अंदर डाल दिया। रफली कटिंग करनी है आपने। ये लहसुन है, साबुत जाएगा। ये फ्रेश हल्दी है तो ये है, और ये थोड़ा सा अदरक है। इसको दोनों को मैं इसके अंदर पीस लूँगी। और इसके अंदर खड़े मसालों में जाएगा जीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी, नमक, काले मिर्च साबुत और एक तेज पत्ता। तो डालना शुरू करते हैं। ये मैंने फ्रोजन कीमा है इसके अंदर डाल दिया है। सारे मसाले डालते हैं इसमें। ये सब कुछ इसके अंदर साबुत जाएगा। इसमें जाएगा ताज़ा पिसा हुआ सूखा धनिया, इसको हम साथ में पीस लेते हैं। ये देखिए जी, ये पिस चुकी है। आप इसके अंदर अगर आपके पास पाउडर हल्दी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा, इसलिए मैंने ये यूज़ की है। ये मैं डाल दूंगी। अब ये देखें, जिसके अंदर मैंने पीसी थी उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसको बंद करके प्रेशर लगाएंगे। करेलों को मैंने छिलके समेत इसलिए काटा है कि इसके जो छिलके हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर के पेशेंट के लिए वो बहुत अच्छे हैं। आप इसे ना रिमूव करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी बिल्कुल भी कड़वाहट आपको नहीं आएगी। आप ट्राई करें। इसको आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर ही, हाई फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। कम करेंगे तो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर जाएगा। भिंडी से ज़्यादा टाइम लगता है करेलों को फ्राई होने में, तो हम इसके फ्राई होने का करते हैं वेट। ये देखिए जी, करेले हमारे बड़े अच्छे खूबसूरती के साथ फ्राई हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्राइंग करते हुए आपने हमेशा डीप फ्राई करना है। शैलो फ्राई करेंगे, ऑयल अंदर चला जाएगा, सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। डीप फ्राई के अंदर आपका ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी जो वेजिटेबल होगी वो अच्छे तरीके से फ्राई होगी। करेले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमें इनको निकाल लेना है और एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करेंगे। सारा एक्सेस ऑयल निकाल देना है आपने। ये देखिए जी, करेले हमने फ्राई कर लिए हैं। ये इस कलर के हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे जैसे ठंडे होंगे थोड़े और डार्क हो जाएंगे। तो हम इसे साइड पे कर लेते हैं और कीमे को भूनते हैं। कीमा गल चुका है तो अब आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर वही ऑयल डालूंगी जो मैंने करेले फ्राई करते हुए यूज़ किया था। ये इसके अंदर ऑयल जाएगा। अब हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। ये जी, मैंने एक छोटा सा चॉपर ले लिया। इसके अंदर मैंने रफली कटिंग वाली प्याज डाली। इसको मैं चॉप करूंगी इसके साथ। इसको मैंने हल्का सा चॉप कर दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर। कीमा अच्छे से भुन रहा है और ये जो मैंने खड़े मसाले डाले थे ये हम सारे निकाल के फेंक देंगे। ये देखिए जी, इसे मैंने अलग कर दिया है, ये मुंह में आए अच्छे नहीं लगेंगे। इसी चॉपर के अंदर जिसमें प्याज हमने चॉप किया था, मैं टमाटर डाल दूंगी और इसको भी हम लोग चॉप कर लेंगे। ये टमाटर और प्याज मैंने इकट्ठा किया। कीमा अच्छे से भुन गया, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। 10-2 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगी और उसके बाद मैं फ्राई किए हुए करेले डाल दूंगी। मैं डालूंगी फ्राई किए हुए करेले, आधा लीमू निचोड़ा और इसको दे दिया दम 10 मिनट के लिए। करेले पक के बहुत मज़ेदार रेडी हो गए हैं। अब इसे हम करेंगे डिश आउट। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं हुआ, इसीलिए ये बहुत हेल्दी है। अब इसे पुदीने की पत्ती से हम करेंगे गार्निश। ये देख लें आप इसकी फाइनल लुक, कितने मज़ेदार और बिल्कुल हेल्दी ही हैं। बिल्कुल ऑयल ज़्यादा नहीं है। ऑयल देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन हेल्थ के लिए वह उतना ही बुरा है हमारे लिए। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।